गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा के इन यथार्थ वचनों को, इस सच्चे ज्ञान को जो भी जहाँ पर सुन रहा है, चाहे वो किसी डीवीडी के माध्यम से, किसी टीवी चैनल के माध्यम से या किसी पुस्तक के माध्यम से, वो सभी परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको ये अमर ज्ञान अमर कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। वो पुण्यात्माएं और अधिक पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आकर के दीक्षा लेते हैं और संत दर्श का लाभ भी उठाते हैं। प्रथम सत्संग ज्ञान सुनने को जिनको प्राप्त हो रहा है वो पुण्यात्माएं हैं। इस ज्ञान से प्रेरित होकर के यहाँ आ जाते हैं वो महापुण्यात्माएं हैं और यहाँ आकर के दीक्षा ले लेते हैं। वो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, वो देव आत्माएं हैं। और ये वो आत्माएं हैं जो प्रथम यहाँ पहले आएंगी, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले सन 1398 में। सहशरीर आए थे सतलोक से चलकर, काशी बनारस शहर के अंदर एक लहरतारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक निसंतान जुलाहा दंपति उस शिशु रूपधारी बालक परमेश्वर को कमल के फूल से उठाकर घर ले गए थे। धीरे धीरे परमात्मा लीला करते हुए जो 5 वर्ष के हुए, उसी समय से जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए, उसको सुनाना प्रारंभ कर दिया था। और उस छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों को, मंडलेश्वरों को ज्ञान में पराजित कर दिया था। लेकिन इंसान जब मानव शरीर प्राप्त कर लेता है, ये प्राणी जब इसको इंसान की जोनी प्राप्त होती है, शरीर प्राप्त होता है, तब ये इंसानियत भूल जाता है। अहंकार के अंदर इतना करड़ा हो जाता है। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। तो उस समय उन ऋषि मंडलेश्वरों के सामने ये मान बढ़ाई ईर्षा अड़ी रही, जिस कारण से सत्य को सदग्रंथों में आंखों देख करके भी उन मूर्खों ने स्वीकार नहीं किया। और परमात्मा को एक सिंपल सुदर मानकर, एक धानक दुलाहा मानकर उस लाल को ठुकरा दिया। और जिसकी लाभ हानि, जिसका घाटा हम आज तक पूरा नहीं कर पा रहे, वो हमारे उन अज्ञानी धर्मगुरुओं का ही कारण था कि वो न तो परमात्मा को महत्व दे सके मान बढ़ाई अहंकार के कारण ब्राह्मण जाति होने के कारण, एक ब्राह्मण जाति उस समय सर्वोच्च जाति मानी जाती थी और शूद्रों को बहुत हेय दृष्टि से वे लोग देखा करते थे। तो काल ने सभी वो बंधन वो बाधाएं हमारे बीच में पैदा कर रखी थी जिससे हम भगवान के निकट न जा सके। कहीं पर मजहब बना दिए भिन्न भिन्न, कहीं जातियों का अभिमान बना दिया। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर जो ज्ञान दिया करते थे वही ज्ञान आज दास आपको दे रहा है। परमात्मा में जो गुण होते हैं वो गुण परमात्मा 600 वर्ष पहले भी अपने प्रकट कर रहे थे। जो भी परमात्मा कबीर जी के पास आते थे दुखी व्यक्ति आते थे, क्योंकि एक शूद्र वर्ण में एक व्यक्ति रह रहा हो और उस समय उसको एक संत मानना ये एक बहुत बड़ी पहली थी, बहुत बड़ी अड़चन थी। तो परमात्मा को संत मानकर नहीं जाते थे, परमात्मा कबीर जी के पास दुखी व्यक्ति जाते थे जिनका कहीं भी कोई आपत्ति संकट का कोई निवारण नहीं हो रहा था। वो इत्फाक से परमात्मा के पास चले जाते थे, वो जाते सुखी होते थे। और धीरे धीरे परमात्मा की महिमा इतनी फैल गई अंडरग्राउंड नीचे ही नीचे कि जो भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है कबीर भगवान से, और साथ में वो आशीर्वाद के साथ साथ ये कहा करते, बेटा ये जो लाभ तुम्हें मिल रहे हैं ये तो अस्थायी है, ये तो एक ही संकट का निवारण है, आपके जीवन काल में ना जाने कितने संकट और हैं। उन आने वाले आपके सफर में आपको हानि करने वाले पाप कर्म रूपी कांटों को हटाने के लिए, उनसे बचाने के लिए आपको राम नाम का जूता पहनना पड़ेगा, वो दीक्षा लेनी पड़ेगी, जिस कारण से आपका ये जीवन भी सुखी होगा। और जब संसार छोड़कर जाओगे और जो इस भक्ति के बिना आपको कष्ट उठाने थे उनसे भी बच जाओगे। परमात्मा क्या बताया करते थे, अपनी महिमा आप पर बताया करते थे, अपने ऊपर ही उदाहरण पेश किया करते थे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खिंचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खाने। चार खानी में बरमते कबू न लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। परमात्मा बताया करते थे कि पूर्ण संत से दीक्षा लेने से अब पता चला कि हमारे ऊपर कितनी आपदाएं आनी थी और कितनी आपदाओं से हम बाईपास निकल गए। परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान दीक्षा लेने से अब समझ में आया, विचार किया कि जय सतगुरु मिलते नहीं तो प्रथम हम नरक में जाते, यमदूत हमें घसीट कर ले जाते और हमारा अकाउंट करवा के वह न्यायाधीश धर्मराज के पास, उसके उपरांत नरक में ले जाते हमें। हम नरक को देखकर वापस भागते, वो हमारे पीछे से लठ मारते और जबरदस्ती कूट छेद कर उसके अंदर नरक में ठोक देते। उसके पश्चात फिर हम 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों को, तेग दे सूअर की योनियों को, प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करते। वो महाकष्ट उठाते। अब परमात्मा कहते हैं कि वो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार, कि ये सारा कुछ ना यम के दूत पकड़ेंगे आपको, कबीर परमात्मा के बच्चे को यम के दूत नहीं ले जा सकते, यदि वो आजीवन मर्यादा में रहेगा। जब लग हंसा हमरी आना, काल लग ना तेरा बाना। जब लग है प्यारी आत्मा, काल को परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक ये आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी तब तक हे काल तेरा कोई अटैक इस पर नहीं हो सकता। हम अपनी गलती से मार खाते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं और जिस कारण से काल का दाव लग जाता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो मर्यादा तोड़ भी देते हैं, उनको कोई हानि भी नहीं हो रही होती है, क्योंकि अभी वो हानि होने का कोई पाप कर्म निकट नहीं है उनका, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमने नाम भी त्याग दिया, शरण भी छोड़ दी और हम सारे वही कर्म कर रहे हैं जो पहले करते थे, हम भी ठीक हैं। वो ठीक ठाक नहीं है। जैसे ये सेट डाल रखा है, जून का महीना है, रात्रि के समय कोई इससे बाहर जाकर बैठ जाता अंधा और वो कहता मैं तो शेड छोड़कर आ गया, मुझे क्या आपत्ति आ रही है, सूर्य उदय होने दे, तेरी टाट में लग गएगी वह गर्मी, जब पता लगेगा तुझे शेड छोड़ आने से क्या हानि हुई। जब तक रात्रि है इतने कोई नो प्रॉब्लम, और ऊपर से वर्षा होगी, ओले गिर गए, सिर फोड़ेंगे, तब पता चलेगा शेड छोड़ने के से कितनी हानि होगी। इसी प्रकार जब तक परमात्मा कहते मेरी शरण में हो, काल का अटैक नहीं होगा, और मर्यादा तोड़ देने से फिर काल कुछ भी कर सकता है। तो इस कारण से परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नी तेरा बाना। तो परमेश्वर समझाया करते थे जो उस परमात्मा की शरण में आने लगे, पहले तो दुखी लोग आते थे। ज्ञान गुण तो क्योंकि ऋषि महर्षियों के पास ही माना जाता था, जो संस्कृत बोलते थे उनको विद्वान माना जाता था, ज्ञान तो उन्हीं का सच्चा मानते थे हम, लेकिन दुख दूर हो रहे थे इसलिए मालिक के पास आ रहे थे, और संत ऋषि उन्हीं को मान रहे थे जो घनी संस्कृत बोला करते थे। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का दुष्परिणाम रहा कि हम इन अज्ञानियों को, आचार्यों, शंकराचार्यों, मंडलेश्वरों, इन ऋषि महर्षियों को हम विद्वान मानते रहे। अध्यात्म ज्ञान युक्त सच्चे मानते रहे और परमात्मा को हम एक सिंपल साधारण धारक मानकर उनसे लाभ अवश्य लेते रहे, क्योंकि ये जानकर कि इसके पास कोई सिद्धि शक्ति है जिससे सुखी कर रहा है। सिद्धि शक्ति निधि परमात्मा तो स्वयं ही शक्ति है और वो सर्व सुख ही अपने आत्माओं को दे सकते हैं, देते हैं। यथार्थ ज्ञान भक्ति का भी वही देते हैं, समाधान भी इस जन्म और मृत्यु का वही देते हैं। तो उस समय हम पहचान नहीं सके, लेकिन परमात्मा की हमने शरण अवश्य ग्रहण की। फिर कुछ परमात्मा कबीर परमेश्वर ने जो लीलाएं की उनसे भी प्रभावित होकर के हम परमात्मा की शरण में आते रहे, और परमेश्वर कहीं भी जाकर के इकतारा लेकर खड़े हो जाते थे, अपनी सुरीली आवाज में जैसे बाजीगर तमाशे दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज लगाने लग जाते हैं। 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं क्या करेगा। हमारे लिए परमात्मा ने वो बाजीगर वाला काम भी किया कि किसी तरह ये मेरे को पहचाने, मेरे निकट आ जाएं और मेरे से उपदेश लेकर के कुछ भक्ति कर लें, इनको कुछ राहत मिल जाए। तो 3 युगों में परमात्मा ने ये प्रयत्न जारी रखा, हमारे निकट आए, हमारे को ज्ञान भक्ति दी और भी कई कारण बना करके, जैसे कहीं कोई साधु संत का रूप बना करके कुछ दिन कुछ वर्ष किसी क्षेत्र में रहते थे और वहाँ के लोगों को सुख देते थे, दीक्षा भी बताते थे, मंत्र ये जाप क्या करो भाई। अब वहाँ 100-200 हज़ार व्यक्तियों को दीक्षा देकर 10-20 वर्ष रह करके वहाँ से चले जाते थे अचानक। अब उनको चार्ज करके कि इस भक्ति से वो चार्ज हो जाते हैं, 500 नाम आपको मिलते हैं प्रथम। इनकी बहुत महिमा है, बहुत शक्ति है, बहुत सा लाभ आपको होता है। इससे आपको संसारिक लाभ भी होते हैं और आत्मा में एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जिस कारण से वो परमात्मा की चाह समाप्त नहीं होती। उसका पुनर्जन्म भी मनुष्य का ही होता है इस प्रथम 5 नाम से, जो जाप कर लेगा, सच्चे पूरे गुरु से लेकर जाप करता रहा और अचानक मृत्यु भी हो जाती है, सतनाम ना मिलता है, तो इससे मनुष्य जीवन तो गारंटीड है, तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए परमात्मा चार्ज कर जाते थे, भक्ति से युक्त कर जाते थे, फिर अगले क्षेत्र में चले जाते थे। और जिस कारण से उन पुण्य आत्माओं को फिर उस जीवन में भी राहत मिलती थी, नेक्स्ट जीवन भी मनुष्य का मिल जाता था। कई कई मनुष्य जीवन लगातार मिल जाते हैं। फिर परमात्मा मेहर करते हैं, वो जहाँ भी जन्मे होते हैं वो आत्माएं, उनको फिर से वहाँ जा करके फिर चार्ज कर जाते थे। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मेरी दीक्षा ले ली, उसको फिर मैं पार करके छोड़ूंगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहूंगा। अब आपको घेर घोट के परमात्मा अब लाए हैं, यहाँ तक लाना था आपको। ये सतयुग, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने सभी को पार करना था। ये पहले का वायदा था काल के साथ, और काल ने ये कहा था कि जब कलयुग 5500 के आसपास पहुंचेगा, उससे पहले इनको इतना कंडम कर दूंगा, इतना व्यर्थ कर दूंगा इनकी साधनाएं, कि तब भूत पितर देवी देवता तीर्थ व्रत और यहीं तक इनकी बुद्धि सीमित कर दूंगा। और आप बताओगे कि इन देवताओं की पूजा नहीं करना, तीर्थों पे नहीं जाना, तो काल ने ये कहा था कि तुम्हारे सिर फोड़ देंगे वो मेरे भ्रमित किए हुए व्यक्ति, और तुम्हारी एक नहीं मानेंगे। परमात्मा को पता था कि मैंने कैसे मनाना है इनको। मालिक को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर ये गणे दुखी ना होंगे, और जब तक ये प्राणी दुखी नहीं होता तब तक ये भगवान कम और बकवाद की ज्यादा इच्छा करता है। और जब इसके ऊपर कहर टूटते हैं तब सब बकवाद भूल जाता है, अपना जीवन रक्षा ही मांगता है। तो इस समय के लिए भक्ति को जीवित रखने के लिए हमारे अंदर हृदय में परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा अपने प्रयत्न कर रहा था। और काल, ये काल भगवान ज्योत निरंजन सर्वपुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल है, और इसका उद्देश्य है जीव को भ्रमित करके ऐसी साधना करवाऊं जिससे इसको कोई बेनिफिट भगवान का ना हो, और अंत में ये विकारी बन जाए, गोटी सूटी लावे, चोरी करे, रिश्वत ले, मिलावट करे, अपने कर्म फोड़ ले और अंत में नास्तिक हो जा। पुण्यात्मा, इस दास ने दोनों जमाने देख लिए, छोटी सी आयु में 9-10 वर्ष का जब था, उस समय का व्यवहार भी देखा लोगों का, उस समय के विचार भी देखे, एक दूसरे से प्यार भी देखा। और सन 1960 के बाद आज तक कितनी गिरावट मानवता आई, ये भी मेरे समक्ष है। कितनी गिरावट आ गई हमारे अंदर। हम भक्ति भी करते रहे, कोई लाभ मिला नहीं। गुरु संतों को के पास भी बहुत से भाग्यशाली व्यक्ति गए, लेकिन वो दुर्भाग्य था उनको कि उनको वो संत नहीं थे, वो संत की वेशभूषा में काल के दूत थे, उनके पास कोई भक्ति नहीं थी। अब कितनी गिरावट आ गई, चीन पूरा नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ था, क्योंकि कोई भी संत है, दास बहुत बार बताता है, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनकी बोली में आकर्षण है और जिनसे छोटी मोटी राहत भी होती थी। तो ये पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, इनके पास संस्कार अच्छे थे। ये किसी भी क्षेत्र में चले जाते, राजनेता बन जा, वहाँ भी इनकी ऐसे ही प्रभावितशाली भाषणों से दुनिया इनके पीछे लग देती है और इनको पता नहीं क्या मंत्री प्रधानमंत्री बना देती है। ये होती अच्छी आत्माएं, पुण्यकर्मी प्राणी होते, लेकिन सत साधना ना करके ये पिछली बैटरी जब तक इनकी चलेगी, पुनों की चार्ज है, पिछले जन्म की भक्ति है, तब तक ये कुछ भी किसी क्षेत्र में जाओ वहीं इनका तैल का मचेगा। और अंत में इनको ऐसी भीड़ बनेगी, ये याद रखेंगे, बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसकी अक्षमता, उसका समय सीमित है, और उसके बाद इनकी वो दुर्गति होगी, ये संभल नहीं सकेंगे असंख्य जन्मों तक। तो जैसे महात्मा बुद्ध स्वर्ग से आई हुई आत्मा थी, राज्य भी त्याग कर परमात्मा की, क्योंकि जो स्वर्ग में सुख है वो यहाँ के राज्य में है ही नहीं। तो उस आत्मा को ताजा ताजा आभास था कि ये सुख नहीं, उसको भी छोड़ दिया, भक्ति करने लगा। गया में वट वृक्ष के नीचे इसने वो हठ योग किया जो बिना सिर पैर का था। मर गया होता इसकी तो जान बचा दी, एक माई ने उसको खीर ख्यार खिला दी, थोड़ी बहुत जान बच गई। फिर इसने अपना अनुभव, अपनी बकवादा पकड़ दी और उस आधार से लोगों को ज्ञान बांटने लग गया, और उसको पहुंचा हुआ महात्मा मान करके लोग उसके अनुयायी हो गए। पूरा चीन धार्मिक था, और महात्मा बुद्ध जैसे उन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान था नहीं, अब वो नास्तिक बना दिया। ऐसा पूरा रूस नास्तिक है। तो पहले ये सभी धार्मिक थे, परमात्मा के नाम से ही हम अलग अलग हुए हैं, और अब ये नास्तिक हो रहे थे। अब नंबर था हिंदुस्तान का, क्योंकि जितने भी राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, ये और बालेगेश्वर पंथ, ये सतपाल आले, और जितने अन्य जितने भी ये संत बने हुए, इनके पास कख नहीं भक्ति का, ना दातम ज्ञान इनका सही, ना शास्त्र अनुकूल इनकी भक्ति है, साधना है। और जिस कारण से इनके पास उमंग के साथ भक्त जाते रहे, वहां इनको कोई लाभ होना ही नहीं था। दुख न्यों के न्यों बने रहे, और कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि एक संत को छोड़ा, राधा स्वामी छोड़ा तो धन सतगुरु में पहुंच गए, सच्चा सौदा सरसा छोड़ा तो निरंकारी में पहुंच गए। ये तो सारा एक कुएं का पानी था। तो आखिर में ये नास्तिक होने लग गए थे, कहीं कुछ नहीं है, यो कष्ट दुखता न्योए बने रहेंगे। और ये खुद भी अपने प्रवचनों में कहते रहेंगे, संत के किया कर्म में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर वो भी संतुष्टि साथ रहती थी कि ये तो भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ही लेते हैं। लेकिन भक्ति भी तभी बनती है, कुछ भगवान का सहारा दिखाई दे जीव को, नहीं तो कुछ दिन तो पिछली संस्कार अंगड़ाई लेते रहेंगे, फिर बाद में वो भी हाथ खड़ा कर जाते हैं। तो इसलिए हमारे को परमात्मा की घनी आवश्यकता है, और परम संत बिना वो ज्ञान और समाधान मिला नहीं करता। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं उस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए। ये हमारे इतिहास भी गवाह, हमारे वेद गवाह है, और परमात्मा ने जो लीला की है वो हमारे समक्ष है, उसके विषय में वो संत गवाह हैं जिनको परमात्मा मिले हैं, और हमारे वेद गवाह हैं परमात्मा कैसी लीला किया करता है। वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेदों को हम सत्य मानते हैं कि उसमें जो लिखा है भगवान की लीला सही है। तो वो लीला की किसने है? तो वो परमात्मा है। इतनी सी बात है। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कौन है, तब तक हम दृढ़ नहीं हो सकते। दृढ़ हुए बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर और एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी भगत बनेगा, तब तो तू दीक्षा प्राप्त करने योग्य होगा। तो इसी प्रकार दास का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप जी को इतना दृढ़ कर दूं, पर एक-एक केंद्र पर, एक-एक बिंदु पर 6-6 प्रमाण दिखाता हूं कि ये भगवान है और ये प्रमाण है, ये भक्ति के मंत्र हैं और ये इन महापुरुषों को इससे मोक्ष हुआ और ये हमारे वेद और गीता में प्रमाणित है, और ये भगवान जो लाभ देता वो आपको हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। और जब आपको ये तीनों खरे उतर जाएंगे तो आप अपने आप भगत बन गए, फिर डगमग नहीं होना। काल की एक चाल है कि किसी ना किसी सिरफिरे को भेजेगा। पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहाँ आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100-100 बार समझाते हैं ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी है। यहाँ तो मान लेता है क्योंकि दुखी है। घर जाता है, उसको पता चलता कहाँ गया था, काल के दूत को कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं वहाँ चलो, वहाँ झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहाँ ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहाँ से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहाँ से मिलना था। भगवान का हाथ उठ गया, भगवान ने अपना हाथ ऊपर हटा लिया उससे, अगले तो वहाँ खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहाँ से मिली थी उसके बाद फिर वहाँ झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुँह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था, फिर आराम हो गया था, वहाँ भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहाँ पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते हैं। उनकी नीयत में दृढ़ता नहीं होती। परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितना न कितना, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नी काल तेरा बाणा, बाण माने तीर। तो परमात्मा जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाया करते थे और क्या बताया करते थे, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहीं खड़े हो जाते परमात्मा, किसी बाजार में चौराहे पर, किसी गांव की गली के मोड़ पर, और फिर सुनाते थे मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई जोरू लड़का कुटुम कबीला 2 दिन का तन मन का मेला, जोरू लड़का ये कुटुम कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंडाने, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान भी कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये शकल सगाई। सगाई मीन ये रिश्ते नाते। आज कहीं जन्मा है, मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ उत्पन्न होगा, कि इन्हीं के मैं उलझ कर जीवन व्यर्थ ना करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी सत भगवान, रियल गॉड कौन सा है ये जान पहले। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये शकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। हर हटमाल पर गट जो भरीता, आवत जाव बरे और रीता। ये हर हटमालपन घट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तो मरता जीता, करवा ले रे कल्याण मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कहे कबीर सब मिटा दूं रासा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले, दो दिन को मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। परमात्मा कहीं भी खड़े होकर के, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अपने ही भटका करते हैं, और हमने काल की घुट्टी घनी पी रखी है भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं में और 10-20 किलो भांग डाल दियो, उस कुएं के जल ने जो भी पीवेगा, चाहे 1000 आदमी पीकर चल पड़ो वहां से, तो सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी सोच हो जाती है। नशे में आपने देखा हो कभी, शराब के ठेके से बूटी लाकर जब निकलते हैं, तो 10 जने आ रहे हो लाइन में आगे पीछे, एक जैसी उनकी चाल होगी, ऐसे डगमगाते हुए, और ऐसे उनकी बोली होगी। उनको समझाने की चेष्टा करें तो चल चल अपना काम करें। तो कहने का भाव यह है कि हमने ये काल की माया की घनी भांग पी रखी है। हमारे को कोई भी मिला है, उसने यही ट्रेनिंग और ये शिक्षा दी है कि बेटा अपना करके खा, और देख उसने 2 कोठी बना ली, बेटा तुम भी अपनी बढ़िया कोठी बना। रिश्तेदारी में जाते हैं, वो भी पूछते हैं क्या करता है, आके अच्छा वाह भाई वाह, खूब तेन तो बहुत अच्छी कमाई करी, और फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा बना लिया, 10 एकड़ जमीन खरीद ली। फिर हमारा वो इंजेक्शन ऐसा लगता, हम भी ने सोचा हम भी इतने बनावा। तो ये ट्रेनिंग देने वाले तो आम संसार में गणे मिल जाएंगे। यहां परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। खोना माने भूल जाए इनको, यह काया भी तेरी नहीं और ये अरबों खरबों रुपये भी जोड़ कर धर दिए रुपये, ये तेरे नहीं। जब तेरी बॉडी नहीं है तो भले आदमी या कोठी कैसे तेरी होगी। तो इतनी अकल हमारी मारी जा चुकी है अज्ञान के कारण कि हम वास्तविकता भूलकर नकली काम में जुट गए, दृढ़ हो गए और उससे हटाकर रियल काम पर और वास्तविक कार्य पर लगाना अब परमात्मा के लिए कितना कठिन हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए कठिन नहीं होता, वो चाहे तो एक पल में कर दें, लेकिन हम कैसे मानेंगे उनको, वो फार्मूला अपनाना पड़ता है। क्योंकि हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं और सब इच्छा से यहाँ से जाने की प्रेरणा होगी तभी हम वापस जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकेंगे। कमाई जो कर रहे हो ये आपके साथ रहेगी, आपको लाभ मिलेगा, मोक्ष निवा तो यहाँ भी आप स्वर्ग में भी जाओगे, देवता बन जाओगे, राजा बन जाओगे, अंत में फिर गधे भी बन जाओगे, ये भी याद रखना। तो यहाँ से निकलने के लिए आप जी ने यहाँ से मन हटाना पड़ेगा। ये लोग ठीक नहीं, चाहे हम लाख वर्ष जीवन भी प्राप्त किया तो भी मरे। और आपके सामने आप देख रहे हो आप, क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेशर इतना है त्रिगुणमयी माया का कि हम रोज सत्संग भी सुनते हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम विवश हैं। हम दैनिक कार्य भी इतने कुछ हमने अपने ऊपर लाद लिए ये कुप्रथाएं, जिस कारण से हमें चैन ही नहीं, दिन रात माया जोड़ेंगे, फलाने का देना है, उसको ब्याह करना है, वह ऐसे करना है, कोठी बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो इस तरह के ये जो बेमतलब की बकवादियाँ हमने गणी शुरू कर दी, क्यों पहले हमने वो जमाना देखा है। हमारे पूरे गांव के गांव में हमारे पिता दादा चाचा ताऊ कभी कुर्ता पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे, जैसा भी फटा पुराना मिल गया अपना काम से काम रखते थे। साधु जैसा जीवन जिया करते थे, कितनी शांति थी। और अब सब्र नहीं रहा इंसान के, 20-20 टाइप के कपड़े इधर लिए ठाक है, पता नहीं कितना के बना लूँ, बढ़िया जूते लाऊँ 8-8 हज़ार के। बता कोई बात हुई है? अपना सिंपल वैसे रहे जिसे कपड़े मिल जाए, पहन, टाइम पास कर, निकल यहाँ से, पीछा छुड़वाओ। दूना भार सिर पर रखते जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हटेगी, क्योंकि दास देख रहा है 1960 से तो समझन दोगा हो गया था 9 वर्ष का। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला, आज जब इस समय खड़ा होकर के पिछला झांकता है दास कि इन 40-50 वर्ष के अंदर कितनी बिजली गिर गई। और जिसको हम विकास मानते हैं मानव का, वो भी खूब हुआ दिखाई देता। सारे एजुकेटेड हो गए, गिटमिट अंग्रेजी बोलने लाएंगे। पहले संस्कृत बोलने वालों की महिमा थी, अब इंग्लिश बोलने वालों ने वो स्थान ले लिया। जो इंग्लिश में बोला हमने नो दिखे तो देवता हो गया, बस बहुत बड़ा एजुकेटेड है। अब आज तो वो इंग्लिश बोल रहा है सपाट, खूब फराटेदार, और कल न बनेगा गधा। फिर कौन सी भाषा बोलेगा, होची। वह इंग्लिश भी बोलेगा तो फिर तो वो हमने वो दिखा है, उन्हें वर्तमान दिखाई देता है। और परमात्मा भी हमारे को भविष्य दिखाना चाहते थे, हम वर्तमान में भूल गए बकवादों में। तो वो विद्वान नहीं है, उससे प्रभावित होने की कतई आवश्यकता नहीं। वो तो रोजी रोटी तक सीमित प्राणी है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो और कितना ही एजुकेटेड लगता हो। वो तो एक अन्य का व्यक्ति नहीं जो भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सत्य नहीं कर रहा। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जा नहीं नाम तेने। अगर वो भक्ति नहीं करता और 3 लोक का भी राजा बन जाए, धिक्कार है, क्या बधाई दे रहा है ऐसे मूर्ख को जो भक्ति नहीं करता। हाँ, भक्ति करे, और भक्ति करेगा तो राजा भी एक नेक इंसान हो जाएगा। उसके दिल में दर्द होगा, दया होगी, भगवान से डर के कलम उठाओगा, चाहे राज जाओ चाहे रहो। और अब राक्षस बन गए, अपने राज के प्राप्त के लिए सेना मरवा डालते हैं। देखा पिछले पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, गोटे जाते हम इतिहास पढ़ा करते, ये गंदे और हमने पढ़ना चाहिए था परमात्मा का इतिहास, भगवान की कथा, भगवान से डरने का कोई मार्ग हमें प्राप्त हो जिससे हम विकारों से रहित होते, भगवान से डरते, पाप ना करते। वो तो आसपास भी नहीं रहे हमारे। तो अब इसको रीसेट करने में कितना समय लगेगा? लगेगा बेशक, लेकिन होगा भी। एजुकेटेड परमात्मा ने इसलिए बनाया आपको कि इन्हें बिगड़ लेंदे जितने बिगड़े और कर लेंदे इन्हें जो ठाठ करना चाहते और पालन देन को बड़े से बड़े ओहदे, IAS IPS, डॉक्टर, जज, प्रधानमंत्री। फिर बताऊंगा आगे क्या बनेगा, तो इससे आगे क्या बनेगा वो मेरे से पूछ, क्या बनेगा। आप क्या बताते हैं, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो शरीर छूटे तुम कहाँ समावेगा। देखो कोई भी व्यक्ति, किसी ने कहीं दूर देश जाना है, दूसरे शहर में जाना है, उससे पहले वो ये सोचकर चलता है कि मैं किसी धर्मशाला में रुकूंगा फलाने शहर में, या कोई मित्र या कोई रिलेटिव का एड्रेस लेकर चलता है, मैं रात वहाँ काटूंगा, वहाँ डटूंगा। खैर जब संसार छोड़कर जाते हो आप चिंता ही नहीं करते कहाँ रुकूंगा जा करके। तो ये बिना ज्ञान की गलती है। कहते हैं कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से जन्मा था। आज जिस घर में आपका जन्म हुआ है, आप 30 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष लालो माँ के गर्भ में 9 महीने, उससे पहले कहाँ थे आप? क्या ये प्रॉपर्टी आपकी थी जिस पर आज बैठ गया चौधरी पाक के लठ ले गए? और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी वो, फिर कहाँ जाएगा? कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी ही कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी ही कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा खड़े होकर मार्मिक आवाज में पुकारा करते थे और श्रोता एकदम मेल्ट हो जाते थे, पिघल जाते थे, आंखों से आंसू शुरू हो जाती थी कि महात्मा भगत जी बात तो सारी सच्ची कह रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहे, गुरु बिन ये बात बता नहीं सकता। गुरु संसार में रहे नहीं, ये सारे नकली हो गए। तो आपका सौभाग्य कि आपको गुरु भी मिले हैं और ऐसे प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन भी मिला है। इसको संभाल कर रखना, परमात्मा की इस रजा को व्यर्थ ना करना। ये कोई आम बात ना समझना, संयोग ना समझना, परमात्मा के किए हुए ये विशेष रजा तुम्हारे ऊपर है, इसको सफल करना, डट के रहना। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। यहाँ पर अभी तक हम सुना करते थे कि आत्मज्ञान हो गया मोक्ष हो गया, आत्मज्ञान हो गया मोक्ष हो गया। इनको यही नहीं पता था आत्मज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं, आत्मज्ञान के बाद परमात्म ज्ञान हो। कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान। जैसे कुएं की छां और कुएं तक ही सीमित होती है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं, ये है तुम्हारा आत्मज्ञान। क्या है आत्मज्ञान? आत्मज्ञान हो क्या कराते थे कि तू जीव है। अब कहाँ से आया था कहाँ जाएगा, भाई तू एक जीव है, परमात्मा ने तुझे मनुष्य जीवन दिया है, इसमें लाभ उठा, भक्ति कर, इसका मूल उद्देश्य ये है। तो ये तो है आत्मज्ञान। अब ये किसी ने पता लग गया कि मैं कुएं में गिर गया और दूसरे ने बता दिया तो कुएं में गिर गया, इसे बाहर निकलेगा तो जान बचेगी। वो निकलने का साधन क्या है? अब जैसे किसी को बता दिया रोग है, क्या रोग है आपको, ये रोग है, और उसको भी ज्ञान हो गया कि मुझे ये रोग है, हाँ औषधि है नहीं, तो व्हाट इज यूज दैट नॉलेज। अब उस ज्ञान का, आत्मज्ञान का क्या पता कि क्या लाभ हुआ कि तू जीव है, मनुष्य जीवन तुझे मिला है और मनुष्य जीवन में ही आप आत्म कल्याण करा सकते हो, मोक्ष करा सकते हो। आपको भी ज्ञान हो गया, हाँ भी बिल्कुल ठीक है, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसी में आत्म कल्याण हो सकता है और वो साधन है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उसका, कोई यूज नहीं। अब आगे क्या बताते हैं परमात्मा, कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये सभी नाते रिश्ते ये अस्थाई हैं, ये चिर स्थाई नहीं है, कुछ दिनों के आपके जुड़े जुगाड़ हैं। और वास्तव में तेरा कौन सच्चा भगवान है, कौन है वो सच्चा साईं, साईं माने मालिक परमात्मा। तो ये है परमात्म ज्ञान। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है, ये भी राम हैं, ये भी देव हैं, ये भी साहब हैं, लेकिन ये साहब ऐसे साहब हैं आपको केवल किया कर्म ही दे सकते हैं। आपके जो भाग्य में है वो आपको देंगे, चाहे दुख है चाहे सुख है, ये पक्का देंगे, ये इसमें कोई चूक नहीं होने देंगे, इनकी इतनी ड्यूटी है। लेकिन आपके संस्कार में दुख है तो दुख भी आपको देंगे, बाई फोर्स देंगे, और सुख है तो सुख भी देंगे, बाई फोर्स देंगे। जैसे आज कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, उनका पुण्य है तो वो जरूर देंगे, चाहे वो कितने खोटे खोदाइबे, कितने जुल्म ढाले, वो फिर भी उसको देंगे और उन जुल्मों का अकाउंट साथ होता रहेगा। फिर उनके कर्म भी जबरदस्ती देंगे, उनको ठोक कर देंगे। तो इतना काम है इन भगवानों का। और ये केवल एक ब्रह्मांड के अंदर रजगुण विभाग के मंत्री हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, तमोगुण विभाग के मंत्री हैं शिव जी, और इनके पिता हैं ये मुख्यमंत्री है एक ब्रह्मांड के। और यहाँ की व्यवस्था है जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, कभी कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते। और जब तक मृत्यु जन्म है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। तो उसके लिए इससे नेक्स्ट फिर अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, वो भी साहब कहलाता है, वो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, वो अलग उसका स्थान है, उसकी व्यवस्था अलग है, लेकिन उसके लोक से हमने जाना पड़ेगा। जब हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे, उसके लिए उसका टैक्स किराया हम देंगे, तभी वो हमें वहाँ से रास्ता देगा, नहीं देगा। इसलिए उस ओम सतनाम के अंदर दो मंत्र आपको दिए जाते हैं। एक तो ओम है ये ब्रह्म का, जहाँ हम रह रहे हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए, इसका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है या जितने भी हमने पाप खोटे खोद रखे हैं और जो भी इसका उधार हमारे ऊपर है, उस ओम नाम की कमाई को इसको दे देंगे। हम इसके होटलों में स्वर्ग महास्वर्ग उस ब्रह्मलोक में जाकर अपनी पूंजी बर्बाद नहीं करेंगे भक्ति की, इसका ऋण उतरेगा इस ओम नाम के जाप से। फिर हमने जाना है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक, सातसंग ब्रह्मांड का क्षेत्र पार करना, उसका टैक्स देना है दूसरे मंत्र का, जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र है। और फिर तीसरा जो मंत्र सारनाम आपको मिलेगा, वो परमात्मा का मंत्र है रियल, उस सतपुरुष का, वो आपको स्थायी स्थान देगा वहाँ सतलोक में। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। ये है परमात्मा ज्ञान। कहते कूप की छाया कूप के बाहीं, ऐसा आत्मज्ञान है। कुएं की छा कुएं तक सीमित है, बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तुम्हारा ये आत्मज्ञान था। तो जीव है, भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, मोक्ष इसी से हो सकता है, इसमें भक्ति नहीं की तो पार नहीं होगा। किसकी भक्ति करनी है, वो मंत्र क्या है, कौन है वो भगवान जिसकी भक्ति करे, तो ये है वो परमात्म ज्ञान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात भर है और रीता। कहते हैं तो ऐसा जीवन जी रहा है जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, उन पुण्य पापों का संग्रह तेरे साथ हो गया। पुण्य बने दूसरी बात है ना बने तो पापों का ढेर हो गया। तो ऊपर जाकर जब आप जाओगे धर्म राय के दरबार में, यहाँ का जो न्यायाधीश है, वहाँ आपके दोनों अकाउंटों का, दोनों ही जो आपके पुण्य और पाप के अकाउंट होंगे। स्वर्ग पुण्यों के आधार से स्वर्ग जाएगा, पाप के आधार से नरक जाएगा, फिर वापस यहीं आएगा। यहाँ से लद के गया, भर के गया, जैसे कुएं से बाल्टी पानी की निकालते हैं, ऊपर डाल दी, फिर खाली गई, फिर भर लाई, फिर खाली गई। ऐसे एक हर हट होता था, रहट कुएं के अंदर एक बाल्टी डाली जाती थी 50-60, एक चैन का ऊपर लपेट कर उनको बैलों से चला जाता, उसको अरहट बोलते हैं। वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होकर फिर खाली जाती थी, फिर भराती थी, फिर खाली जाती थी, यानी वो ऐसे चलते चलते उसी में घिसका टूट जाती थी। तो इसी प्रकार परमात्मा बता रहे हैं कि हर हट माल और पनघट ज्यों भरीता, आवत जात भरे और रीता। पुन पाप ऊपर खत्म किया, फिर आ गया गधे कुत्ता बन के, फिर मर गया, फिर चला गया, कि ये तुम्हारी व्यवस्था है। फिर कहते हैं हर हट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, अब करवा ले रे कल्याण, मन ने की ही कर ले दो दिन का मेहमान। परमात्मा फिर बताते हैं 1,84,000 की तू सह तरासा, इतना दुख उठा रहा है, 84 लाख जीवनों में, योनियों में, प्राणियों में दुख उठा रहा है। अपने आत्मा हम मनुष्य बन गए और मनुष्य बने हैं तो हमारा संस्कार भी ऐसा है कि मनुष्य वाला सब आहार मिलेगा, सब सुविधाएं भगवान देगा, इतनी अकल भी देता है। अब हम ये मान बैठे हैं ये कुत्ते तो कुत्ते बनेंगे और गधे गधे ही बनते होंगे, हम तो चले बाबूजी बड़के, हमने कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपको ये ज्ञान होगा, भगवान की आंखें खुलेंगी, जो आपकी ज्ञान वाली बंद थी, आपको न्यारे दिखाई देंगे। परमात्मा क्या कहते हैं, अब तो किसी साहब बहादुर को आप कहोगे जी भक्ति करनी चाहिए, राम नाम लेना चाहिए, अरे छोड़ भाई, फिर बात, अभी तो हमें टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। फिर कब देखेंगे, जब गधा बन जाएंगे, जब देखेंगे फिर तो कुमार देखेगा, हम क्या देखेंगे। तो परमात्मा क्या कहते हैं, राम नाम से खिज मरे और कुष्टी हो गल जावे, सूअर हो के जन्म लेवे, फिर नाक डूबता खावे। कलेजा फट जाए इंसान जब थोड़ा सा भी ध्यान दे। और ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज आपके हित में बताया है, खुद मालिक का कहा हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है कि आपके साथ आगे क्या बनेगी यदि भक्ति नहीं की। कहते राम नाम ते खजमरे और फिर कोडी हो गल जा और शुक्र होकर अवतरे, सूअर बनकर जन्म लेगा, फिर नाक डूबता खा। जब थोड़ी सी भी हृदय में यह बात समा गई भगवान की, आपने फिर वो सूर ना दिखाई दे, वो अपना जीवन दिखाई देगा कि हमने भी ये कर्म कई बार करे होंगे, असंख्यों बार सूअर गधे कुत्ते बन चुके हम। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। हमारे अंदर इतना ज्ञान का जामा बैठ गया, इतने हम कति कट्टर हो गए। परमात्मा ने ऐसी चोट मार रखी शब्द की, ये मुश्किल से फूटता हमारे अंदर जो बकवाद भरी हुई है, मुश्किल से सेट होती है ये हमारा मन पापी के सचमुच ये तो जुल्म होएगा जब भक्ति नहीं करी। और भक्ति फिर करने की चाहता है तो नरे ठग बैठा रखे, कदम कदम पर नरे नकली संत, वहाँ खाओ डके अपना जीवन नाश करो और मर जाओ। काल यही चाहता है और दयालु ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, एक बार मुझे पहचान ले, फिर मेरे से जुड़ जाए, फिर मैं इन्हें पार कर दूँ और मैं ऐसा सुख दूंगा। जो परमात्मा ने वर्णित कर ही रखा है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनोशी सुख का सागर सोई। सतलोक सुख का सागर है। समुद्र के अंदर जब जहाज में बैठ के 200 किलोमीटर चले जाते हैं तो सागर समुद्र के अतिरिक्त कोई वस्तु दूसरी नजर नहीं आती। सागर ही समुद्र ही समुद्र, जल ही जल, जल ही जल। तो वो परमात्मा सुख का, वो स्थान सुख का सागर है सतलोक, जहां पर सुख के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। या तो किसी ने देख ले, कोई टेंशन फ्री नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, पूरे किसी पूरी पृथ्वी का हो, एक पल चैन नहीं उसको। सामने से वो कितना अफलातून पा क्या दिखता हो, एक पल की चैन नहीं, टेंशन ग्रस्त इंसान है। और ये बिजली अभी 50 साल से इधर उधर गिरी हमारे ऊपर। पहले चाहे कितना ही दुखी था इंसान, टेंशन नहीं लेता था, भगवान पर विश्वास करता था और शांत स्वभाव के लोग हुआ करते थे, मीत व्ययी थे वो, बहुत कम खर्च करते थे। तो ये हमारे अब बकवास जो हमें दुखी कर रही है, कोठी बना लूँ, कर्जा हो गया, कर्जे वाले पीछे पीछे, आप आगे आगे, सारी टेंशन। छोटा मकान बना ले, को थोड़ा ना बनता है तो अपनी कोई झोपड़ी डाल ले के बिजली गिर गई, अपना टाइम पास कर करो भक्ति, फिर कुछ दिनों में देखना भगवान कैसे रंग लाएगा। इस समय अनुसार जो आपको आवश्यकता होगी सारी पूरी कर देगा आपकी। समय दो उसको, मालिक को टाइम दो, उसके ऊपर विश्वास करो, दृढ़ हो थोड़े दिन। अभी तो हम डगमग से हैं, ठीक होगा, ठीक है ना, फिर और देखेंगे कहीं, तो ऐसे मन में रखोगे भगवान ही सुनेगा जल्दी से आपकी। ठीक है, जो भक्ति कर रहे हैं उसका लाभ आपको अवश्य मिलता रहेगा, लेकिन परमात्मा का विशेष राहत लेनी है तो इस पर अटल विश्वास करना आपने पड़ेगा। अब क्या बताते हैं कि तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़े। और सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो। सुखदेव जैसे ऋषि अपनी आत्मकथा बताते हैं कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और पजावे के ऊपर पहले ऊंचे ऊंचे पजावे हो जाते थे, अब तो बहुत कम है ऐसी व्यवस्था। क्या करते थे कुम्हार लोग, ईंटें बनाते थे पक्की, छोटी छोटी होती थी माचिस जितनी, ये छोटी छोटी ईंटें पकाते थे और ईंधन जो प्रयोग करते थे वो जल जाता, राख बन जाती थी, उसको वही रख लेते थे, बाहर डालने का स्थान नहीं होता था उनके पास। फिर उसके नेक्स्ट किलन उसके ऊपर ही लगाते थे भट्ठा, ऐसे वो बढ़ता बढ़ता 20-20, 30-30, 50 फुट ऊंचा हो जाता था वो रेत राख, और उसके ऊपर फिर आगे दूसरा भट्ठा लगाते थे, उसके ऊपर बहुत सी लकड़ी लगा कर। तो वहाँ उससे उस पजावे पर चढ़ने के लिए गधे प्रयोग किए जाते थे, कच्ची ईंटें नीचे से ले जाते भरकर, ऊपर से पकने के बाद उन्हीं पर लाद देते, वापस आते जाते भरे रहते, उतरते समय भरे आते लदे आते वो। तो कहते हैं ऐसा जीवन भी मैंने जिया, अंधा हो गया और अंधा होके गिर गया एक नाले में, आगे भी फंस गया, आगे गर्दन लगी, पीछे से बैक लगी, इतना सा नाला था दिखा नहीं मुझे, उसमें फेट हो गया, ना नाले के अंदर पड़ा ना बाहर रहा, पैर लटक रहे हैं, आगे पीछे अड़ गया। अब आने जाने वाले उस रास्ते पर इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, वो मेरी पुली बनाकर पार हो जाता, किसी ने मुझे निकाला नहीं, और हफ्ता 10 दिन भुगत के प्यासा भूखा मर गया। अब सुखदेव जी बता रहे हैं कि वो घटना मुझे याद आती है, मैं ज्यादा भगवान भक्त बचता हूँ। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप अपने आप को क्या समझ बैठे, मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे ऐसे ऋषियों की ये दुर्गति हुई, और वो भक्ति भी करते थे लेकिन भक्ति वो गलत कर रहे थे, वो मोक्ष मार्ग यथार्थ भक्ति उनको मिली नहीं। सुखदेव ने 84 भुगति, 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए, इसको 84 लाख 84 कहते हैं सिंपल कोड वर्ड में। सुखदेव ने 84 भुगति बिना पजावे खरवो, खर माने गधा, पजावा माने पजावे के ऊपर ऐसे चढ़ा करता ऊंचे पर, फिर उतर के आता था। सुखदेव ने 84 भुगति बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। के बोले प्राणी तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या औकात है, तू भक्ति ना करे, और भक्ति करता तो वो करेगा जो सुखदेव ऋषि ने करी तो भी वो नो की नो दुख रहेगा। तू पेंडा पथ पकड़े, वो कौन सा पंथ, कौन सी भक्ति विधि जो हम बता रहे, जो सतगुरु बताते हैं, उस भक्ति के उस मार्ग को ग्रहण कर, जब तेरा कल्याण होगा। हर रट मालपन घट जो बरीता आवत जात बरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। 1,84,000 की सह त्रासा, 83 लाख योनियों में भटक रहा है, दुख उठा रहा है, और ऊंच नीच घर लेता बसा। कभी ब्राह्मण बन गया, बड़ी इज्जत हुआ करती, पंडित जी भाई जगत गुरु हो गया, और फिर किसी बाल्मीकि के घर जन्म ले लिया, वहाँ बाल्मीकि कहलाया। फिर कहीं जुलाहे के घर जन्म हुआ, वहाँ फिर शूद्र कहलाया। तो परमात्मा कहते ये भूल आपके लगी हुई है, ये जीव किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, किसी भी जीव के शरीर में भी जन्म ले सकता है, और ये किसी भी देश स्थान पर इसका जन्म हो सकता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर इसके संस्कार हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ लगभग 200 वर्ष तक इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति यहाँ राज्य कर गए 200 वर्ष, और वो महामूर्ख यहाँ से धन उठा कर सोना चांदी लाल हीरे जो भी मिला सारा ले जाकर वहाँ धर दिया इंग्लैंड में, और वो उसका सारा जीवन बीतता इंडिया में। वो उसकी यहाँ संस्कार बन गए उसके, मृत्यु के बाद वो आ गया भारत में, जन्म ले लिया, गधा बन गया या इंडिया का कुमार, तो उसके बकलता रहा, और धन रहा तो इंग्लैंड में, तो क्या काम आया उस मूर्ख के। तो ये बुद्धि जब हमारी इस ज्ञान से सेट होएगी, तब पूरी पृथ्वी आपको अपनी नजर आएगी, और उसके बाद ये अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये लोक हमारा है नहीं, इस ज्ञान से फिर आपकी ये दृष्टि होगी। तो इससे ये हमारा जो व्यर्थ की जो झगड़े हो रहे हैं, सीमाएं बनाकर बैठ गए, कोई बकवास कर रहा है, कोई देश किसी के साथ गरीब को सता रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, जब ये ज्ञान होगा तो पता चलेगा। आज हम कहीं जन्मे हैं, दूसरे जन्म में हम उसी सेना में होंगे। आज हम मान ले भारत की सेना में हैं और दूसरे को, सामने वाले को मार रहे हैं, और कल जन्म होगा हमारा दूसरे देश में, और फिर हम वो हमारा देश और हिंदुस्तान दुश्मन। तो ये इस तरह के जो अच्छे विचार हैं ये पूरे विश्व के खत्म होंगे, तभी ये राहड़ मिटेगी, और ये होंगे इस ज्ञान से, क्योंकि ये लोक अपना नहीं है और यहाँ अस्थाई हमारा ठिकाना है। इस मनुष्य जीवन का केवल एक ही लाभ है, इसको पूरा कर लो, और फिर वहाँ चलेंगे जो किस चीज़ का भाव नहीं, कोई सीमा नहीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा खाना, वहाँ कोई राग द्वेष नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं। सबसे बड़ा दुख है इस जीवन का वृद्धावस्था, और यो किन किसको दुखी करेगा, जो भक्ति नहीं करते। भक्ति करेंगे उनको यहाँ भी परमात्मा वृद्धावस्था में भी घना सहारा देगा। दुख तो वो पाते हैं जो भक्ति नहीं करते। तो जब तक हम युवा हैं, तो तब तक हम यही सोचते हैं कि हम बस ऐसे ही चला करेंगे, चटक मटक करके सदा ही, और हमें कोई आपत्ति आनी नहीं। और हम क्या देखते हैं कि हमारे साथ से जैसे कोई वृद्ध धीरे धीरे लाठी टेक कर धीरे धीरे चल रहा है, हम फटते जाते हैं उसके पास से निकल कर। हम सोचते भी नहीं कभी हमारे साथ हम भी ऐसा होंगे, होना तो है, डेफिनेट है, लेकिन जब हम हो लेते हैं, जब मानते हैं हाँ या तो बिजली गिर गई। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो बिजली गिरने से पहले समाधान कर ले। देखो वृद्धावस्था तो सब आवेगी, लेकिन जो भक्ति करते हैं, परमात्मा से डर के रहते हैं, क्योंकि कर्माधार से दुख है, जवानी में हो जा चाहे बुढ़ापे में हो जा, वो तो होगा। और यदि हम पहले से ही डर कर रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो वृद्ध अवस्था हमारी बहुत अच्छी निम जाएगी, क्योंकि परमात्मा की बनाई हार्ड है, परमात्मा की बनाई नस नाड़ियाँ हैं, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वृद्धावस्था भी आपकी बहुत अच्छी तरह निभेगी। और भगवान की भक्ति करते रहोगे तो जो संस्कारवश बुढ़ापे का जो कहर होना था वो नहीं होगा। बुढ़ापा तो आएगा लेकिन वो दुख नहीं होगा। एक वृद्ध के साथ एक वृद्ध जा रहा था और युवा व्यक्ति जल्दी में था, उसने कोई ध्यान कहीं और होता, सटपीट में जाता है तो वृद्ध से टकरा गया, तो वृद्ध गिरता गिरता बचा। फिर उसने देखा ऐसे, कहते हैं कि धक्का लगा एक वृद्ध को, उसकी ये बयान थे, ये चलने वाले चल संभल कर, हम भी कभी जवान थे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। यानी भक्ति नहीं करते उनके विषय बता रहे हैं। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया, नौजवानी भी जाएगी, फिर घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया, जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था तेरी गर्दन हाले, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी ओए दुर्गति, पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन। भाई आँखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। नो कराकर बुढ़ा जो करड़ी आँख लाग है, अगर दोस्ता जो ना दिखे आँखों में नो करना पड़ता है। भाई आँखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। आँखों आगे जाला फिर जा, तो हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। जैसे कोई कम सुनता हो किसी को और दूर से कोई बोल रहा हो, तो ये वो नो करता, एब का बोलिए कान का हाथ लगा कर गिर, जैसे लाउड स्पीकर लग गया, तो उसको शंका है कुछ क्यों करे सुन जा किसी तरह। भाई कानों ते तो तने देव न सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। कान आँख ते काम न चले, फिर मुँह भी गेल्या बावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मेरे दोस्ता जो आ जाती है बुढ़ा, कोई बातें करता है तो कान तक और मुंह अपने आप खुल जाता है, उसका बस की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं से कोई सुराख मुंह सुन जा मुझे किसी तरह यू क्या कह रहा है, इतना कंडम इंद्रियां हो जाती है। और बिना दांता के मुँह आया करते पहले बुढ़िया के वो आड़ी सी ओ भी गणा बुढ़ा दीक्षा रहा खुल्ले पास है। तो कहने का भाव ये है, जैसे श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक 29 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तो तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परमात्मा की खोज करो और उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जिसके 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, फिर जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, जरा मीन वृद्धावस्था के कहर से बचने के लिए। और मरण माने मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हमारे ऊपर, और ये दोनों कंपलसरी। यहाँ पर सबसे बड़ा दुख वृद्धावस्था, और उसके बाद मृत्यु। सारी उम्र कोठी बनाई, मकान बनाए, बच्चे पैदा हुए, इनमें प्यार मोह होया, कल टिकट कट गई, बता खाक जीवन है ये। तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा कहर मृत्यु का। और उससे भारी वृद्धावस्था, जब आदमी वृद्ध हो जाता है चारों तरफ से उसको रोग घेर लेता है, तो आप पे हाथ जोड़े है भगवान, ठाले है भगवान, मेरी मृत्यु हो जा। तो हम मृत्यु चाहते नहीं, और बुढ़ापा ऐसा बुरा कि मृत्यु भी चुआ दे, हमें याद करवा दे, खा या हो जा। तो सबसे बड़ा कहर वो वृद्धावस्था बताया है, वो होगा कर्मानुसार। वृद्ध तो सब होंगे, भगवान भी हुए थे वृद्ध, 120 वर्ष के लीला की उन्होंने। 120 वर्ष की उम्र में सशरीर गए थे सतलोक और काशी नगर से और मगर तक, लगभग 125-150 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से पैदल गए थे 120 वर्ष की उम्र में। वो दिखा रहे थे कि मैं भक्ति करता हूँ। अब लीला थी, लाल मालिक कहते के जवान के वो डाव, तो एक लीला कर रहे थे। तो उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति करने वाला वृद्ध, और देखो 120 किलोमीटर पैदल गया, 3 दिन में सफ़र कर दिया, और तुम खाट पर पड़े पड़े रो रहे हो, बच्चे उठा कर टट्टी करा रहे हैं, तुम भक्ति करते हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, भक्ति बिना तुम्हारी ये दुर्गति होती है। तो क्या बताते परमात्मा, भाई कानों ते तो ये देवे ना सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम ना चले, फिर मुंह भी गेला बावेगा मने, मान जा बुढ़ापा आवेगा मने, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा, पड़ोसिया ने सूते ठावेगा मने, मान जा बुढ़ापा आवेगा मने, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, और नहीं तो तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatguruRamPalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।